यूपी विधानसभा उपचुनाव के साथ बसपा सुप्रीमो की नज़र महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी है। यही वजह है कि मायावती ने तीनों राज्यों के स्टार प्रचारक न सिर्फ तय किए बल्कि उसकी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें खुद मायावती, उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। बसपा की लिस्ट के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष मायावती, उपाध्यक्ष आनंद कुमार, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, राज्य प्रभारी रामजी गौतम, राज्य प्रभारी गया चरण दिनकर, राज्य प्रभारी श्रीकांत राम बाबू चिरगैया का नाम है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लिस्ट में मायावती, आनंद कुमार, आकाश आनंद जैसे दिग्गज शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि सबसे बड़े सूबे का विधानसभा उपचुनाव छोड़कर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को महाराष्ट्र और झारखंड क्यों भेजा? यूपी उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी क्या रणनीति बसपा प्रमुख ने बनाई है जिसके तहत उन्होंने आकाश को यूपी से बाहर चुनावी कमान संभालने भेज दिया, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा विधानसभा चुनाव में आकाश ने बसपा के लिए धुआंधार प्रचार किया था। बावजूद इसके तीनों ही राज्यों में पार्टी की नैया डूब गई। वहीं इस बाबत सियासी पंडितों का कहना है कि आकाश के यूपी में प्रचार करने के बावजूद बीएसपी अगर हारती है तो इससे कैडर में गलत संदेश जा सकता है। दूसरी वजह ये भी मानी जा रही है कि मायावती खुद अपने भतीजे को राजनीति में अपरिपक्व बता चुकी हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में बसपा का वोट बैंक बढ़ता है तो इससे आकाश की छवि सुधरेगी, जीत का सहरा आकाश के सिर ही बंधेगा। मायावती भी खुद अपने भतीजे को बड़े स्तर पर प्रमोट करने की कवायद करने में जुटी रही हैं। बहरहाल आकाश आनंद को मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। आकाश पूरे महाराष्ट्र में 25 से 20 रैलियां कर सकते हैं, हालांकि अब तक फाइनल कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुआ है। खैर आकाश की रैलियां जब भी हों, लेकिन मायावती का ये कदम पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होता है ये वक्त बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।